हेलो फ्रेंड्स, आज हम बातचीत कर रहे हैं कि कैरियर को प्लान क्यों किया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि आप कैरियर को प्लान करेंगे तभी तो आपका कैरियर बनेगा। तो कैरियर को प्लान करने के लिए किसी भी स्टेज पर हैं आप, चाहे बच्चे को आप नर्सरी लेवल पे स्कूल में डालना चाहते हैं, चाहे आप उसको मिडिल स्कूल में डालना चाहते हैं, चाहे आप जूनियर स्कूल 9th 10th में डालना चाहते हैं, चाहे आप सीनियर स्कूल 11th 12th में डालना चाहते हैं, या आफ्टर 12th आप उसको किसी कॉलेज में भेजना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में आप भेजना चाहते हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप करना चाहते हैं अपने आप को तैयार, चाहे वो IAS हो, RAS हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, CA हो। तो दोस्तों, कैरियर की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। व्हेन वंस यू प्लान योर कैरियर, तो आप मनचाहा कैरियर को आप अचीव कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप जब किसी भी लेवल पर किसी कोर्स में एंट्री लेते हैं, तो एंट्री लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वहाँ आपको बहुत रिसर्च करनी चाहिए, और आज के ज़माने में काउंसलर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है। इसलिए आपको अगर आपको मान लीजिए फीवर आ रहा है, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कुछ टेस्ट कराएगा। वो फीवर मलेरिया होगा तो डेफिनेटली उसकी मेडिसिन अलग तरह की होगी। अगर वो फीवर ड्यू टू टाइफाइड होगा तो डेफिनेटली उसकी मेडिसिन अलग होगी। अगर वो फीवर ड्यू टू जॉइंडिस होगा तो उसकी जो होगी वो मेडिसिन अलग होगी। अगर वो फीवर ड्यू टू कोरोना होगा तो उसकी मेडिसिन अलग होगी। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं उसकी पहले रिसर्च करिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। किसी भी लेवल पर पेरेंट्स से मैं कह रहा हूँ, जब बच्चों को वो स्कूल में डालते हैं, बच्चों से मैं कह रहा हूँ जब वो आप 10th के बाद सब्जेक्ट लेते हैं, बच्चों से मैं कह रहा हूँ जब वो 8th के बाद अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। हर जगह प्लानिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब जमाना चेंज हो चुका है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज भी उसी के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ये पहले काउंसलर से मिलकर प्लान कर लेंगे, तो आपकी प्लानिंग के कारण आपको जो रास्ता मिलेगा वो बड़ा आसान सा मिलेगा, क्योंकि काउंसलर आपको अच्छा रास्ता बता देते हैं। और फिर आपको जब ये मालूम होता है कि इस रास्ते पर चलने के लिए आपके लिए क्या-क्या आपको ज़रूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लीजिए आपको मानसरोवर की यात्रा करनी है, कैलाश मानसरोवर की। मान लीजिए आपको कश्मीर की यात्रा करनी है। मान लीजिए आपको जैसलमेर की यात्रा करनी है। अब दोनों अलग-अलग पॉइंट है। जब आप जैसलमेर की यात्रा करेंगे तो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्लियर। लेकिन अगर जब आप कश्मीर की या हिमाचल की यात्रा करेंगे, शिमला की, तो वहाँ ठंड का मौसम होता है। तो आप क्या करते हैं, उसी तरह से आप प्लानिंग करके जाते हैं। अब आप जैसलमेर घूमने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े लेके नहीं जाते हैं। लेकिन आप जब शिमला में जाते हैं, मसूरी में जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं, लद्दाख में जाते हैं, तो आप गर्म कपड़े लेके जाते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप पहले से वैसी प्लानिंग करके जाते हैं तो आपकी यात्रा बड़ी आसान हो जाती है। तो कैरियर भी एक यात्रा है, और इस यात्रा को आसान करने के लिए आपको दूसरा पॉइंट कैरियर के चयन के साथ जरूरी है कि कैरियर के बारे में जानकारी, कि इस कैरियर के पाथ पे चलने के लिए आपको किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि मान लीजिए आप IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इसको बनने से आपको मिलेगा क्या, आपकी हॉबी क्या है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आफ्टर
दिस प्रिपरेशन, जब मुझे मैं इस कैरियर में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या वो मेरी हॉबी से मैच करता है, क्या मैं लाइफ में सेटिस्फाई हो पाऊंगा उससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने देखो तीन चीज़ों की बात की है। वेरी फर्स्ट तो सिलेक्शन, जो आपको काउंसलर से मिलकर रिसर्च के आधार पर आपको सेलेक्ट करना चाहिए कैरियर का। नंबर टू, जिस कैरियर पे आप चलने वाले हैं उस कैरियर के आपको क्या क्या आवश्यकता है, उस कैरियर के लिए मीन्स आपको जहाँ पहुँचना है उसकी तैयारी के लिए क्या क्या आपके जो है वो आवश्यक चीज़ें वो आपके पास होनी चाहिए और आपको करनी पड़ेगी, ये आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा या कोचिंग करनी पड़ेगी या अपने शहर को छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, कौन सी बुक्स लेनी पड़ेगी, सब कुछ तय होता है, प्लान होता है। और तीसरा, क्या वो जो आप जाना चाहते हैं क्या वो बोझ तो नहीं है, क्या वो आपके सपने के अनुरूप हैं, क्या वो आपके अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम से अकॉर्डिंग टू योर हॉबी है, आपको मजा आ रहा है। याद रखिए, जिस चीज में मजा नहीं आएगा आपको, जिस चीज को बोझा मान के चलेंगे वहां उतनी सफलता आपको नहीं मिलेगी और मेंटल सेटिस्फेक्शन तो आपको बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों, कैरियर प्लानिंग बहुत जरूरी है, काउंसलर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कैरियर को प्लान करते हैं तो आप जो कैरियर अपना बनाना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, वहाँ बड़े आसानी से आप पहुँचेंगे। तो ये जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे आप पेरेंट्स से भी कह रहा हूँ, चाहे अपने छोटे बच्चे को आप किसी स्कूल में डालते हैं, विचार करिए कि इसको कहाँ पहुँचाना है, कैसी एजुकेशन चाहिए। इनफैक्ट मिडिल क्लास के बाद प्लानिंग बहुत बहुत ज़रूरी होती है, राइट। केवल कुछ लैंग्वेज सिखाने के लिए स्कूल में डाल रहे हैं या कुछ हॉबीज़ के लिए स्कूल में डाल रहे हैं, नहीं, आपको लैंग्वेज के लिए भी स्कूल में डालना है, आपको हॉबीज़ के लिए भी स्कूल में डालना है, और साथ साथ में उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बच्चे का कैरियर बने उस पर भी फोकस करना है। क्योंकि अल्टीमेटली तो एक सफल कैरियर आपको बच्चे का बनाना ही पड़ेगा। और बच्चों, आप भी जब अपनी 8th क्लास से ऊपर आते हैं तो आपको भी एक सफल कैरियर की तरफ बढ़ना है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। और इसी तरह से कैरियर और उसके पाथ पे चलने के लिए और भी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।